जय श्री कृष्णा। देखिए, हमने कल दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल क्रेमर नियम से ज्ञात किया था। क्या था बेटा आपका समीकरण? a1x b1y = c1, a2x + b2y = c2। ये था कल। उसको हमने कैसे सॉल्व किया था? पहले हमने डेल्टा निकाला था। डेल्टा में क्या था? a1 b1 a2 b2। फिर हमने डेल्टा वन निकाला था। डेल्टा वन यानी एक एक्स को छिपा ले तो ये क्या आएगा? c1 c2 b1 b2। फिर निकाला था हमने डेल्टा टू निकाला था तो a1 a2 c1 c2। x बराबर क्या था? डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, और y क्या था? डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। ये हमने कल दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल में निकाला था। ये x, ये वैल्यू, और हमने डेल्टा वन डेल्टा टू की वैल्यू निकाली, और वो थे ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल। आज अपन पढ़ेंगे तीन चरों वाले रैखिक समीकरण के हल। तीन चरों वाले रैखिक समीकरण में क्या है आपके? देखिए, ये है आपका, देखो तीन चर है, x y z d1 d2 d3। तीन चर है, वही क्रेमर नियम से हल ज्ञात करेंगे x y z के। देखिए, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा। तीन चरों वाले रैखिक समीकरण को लिखेंगे कैसे? देखो, a1x b1y c1z = d1, a2x b2y c2z = d2, a3x b3y c3z = d3। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डेल्टा। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये आएगा आपका डेल्टा। क्या आएगा? डेल्टा। अब हमें निकालना है डेल्टा वन। क्या निकालना है? डेल्टा वन। तो पहले ये आएंगे d1 d2 d3। अब डेल्टा वन में कौन है? x, तो x चला गया, तो कौन बचा? b1 c1 b2 c2 b3 c3, ये आया डेल्टा वन। अब निकालेंगे अपन डेल्टा टू। डेल्टा टू में कौन आता है? y। कौन आएगा? y। तो y को हटा लो। क्या मतलब है? जैसे अब डेल्टा वन में कौन? x गया, तो जगह d1 d2 d3 लिख दो, फिर b और c। अब y गया, तो यहाँ से y गायब हुआ, इस y की जगह d1 d2 d3 रख दो। ये ऐसे कैसे होंगे? डेल्टा टू किसका है? y का, तो y जाएगा, तो ये तो वापस वही आएंगे a1 a2 a3। y गायब हुआ, तो y की जगह d1 d2 d3 d1 d2 d3, c1 c2 c3। जो गायब होता है उसकी जगह d1 d2। अब आएगा डेल्टा थ्री। डेल्टा थ्री में कौन जाएगा? z, तो z की जगह क्या आ जाएगा? d1 d2 d3। तो a1 a2 a3 और b1 b2 b3, d1 d2 d3, क्योंकि c डेल्टा थ्री में कौन गायब हुआ? z, तो z की जगह आ गया d1 d2 3। b में कौन गायब हुआ? y की जगह आ गया d1 d2 d3, और x में कौन गायब हुआ? a वाला, तो वहाँ आ गया d1 d2 d3। ये आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा वन डेल्टा डेल्टा टू और डेल्टा थ्री। हाँ, तो वही x का मान कैसे निकलेगा? डेल्टा वन बटा डेल्टा, x बराबर डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। तो y की वैल्यू निकलेगी डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू निकलेगी डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। ये निकलेंगे x y z के मान। ये है आपका क्रेमर नियम। कौन सा नियम है? क्रेमर नियम। रैखिक समीकरण निकाय को हल करने का पहला मेथड है क्रेमर नियम, जो ये वाला है। दूसरा है आव्यूह मेथड।
आव्यूह सिद्धांत। दूसरा है आपका आव्यूह सिद्धांत, आपको इसको सॉल्व करना है ए एक्स बराबर बी। अब देखिए वही तीन चरों वाला रैखिक समीकरण होगा, ए 11x, बी 12, ए बारह वाई और ए तेरह जेड, ए 21x, ए 22y, ए 23z, ए 31x, ए 32y, ए 33z, वही यहाँ आ जाएंगे आपके b1 b2 b3। ए है मतलब सारे ए लेने, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, जेड की जगह जेड, बी की जगह b1 b2 b3। यहाँ ए क्या है सारणिक, 11 12 13 21 22 23 21 22 23 31 32 33, ये ए है। तो कैपिटल एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स क्या है, एक्स वाई जेड। तो बी क्या है, बी है b1 b2 b3। हमें एक्स का मान निकालना है, अपन लिखेंगे ax बराबर b। हमें एक्स का मान निकालना है, इसका मतलब ए को उधर भेजोगे तो x बराबर a इनवर्स b। ए इनवर्स का अस्तित्व कब होगा, जब मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब इनवर्स का, और इनवर्स हमने पिछले में निकाला था, और ए इनवर्स का अस्तित्व फिर वही ए इनवर्स ज्ञात करेंगे और उसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। यह है आपका तीन चरों वाले रैखिक समीकरण का हल, किस किस से निकाल सकते हैं, क्रेमर नियम और आव्यूह सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए उदाहरण नंबर दस क्या कह रहा है आपका, निम्न समीकरण निकाय कैसे हैं, यदि हल संभव है तो क्रेमर नियम से हल ज्ञात कीजिए। देखिए आपका समीकरण दे रखा है, पहला देखें उदाहरण नंबर 10 का, पहला क्या दे रखा है आपका, दे रखा है 2x + 3y = 3, 2x और 3y बराबर क्या दे रखा है 9। हमें चेक करना है ये समीकरण निकाय कैसे है और इसका हल है कि नहीं। अब देखें वैल्यू निकालें इसकी, देखिए सबसे पहले निकाला है डेल्टा क्या लिखोगे, 2 3 2 3 2 3 2 3, ये है आपका क्वेश्चन। अब वैल्यू निकालें इसकी, 3 × 6 3 × 6, बीच में ऑलरेडी क्या होता है माइनस, 3 × 6 और माइनस माइनस, प्लस 6 और 6 क्या है 12, जो जीरो के बराबर नहीं है, जो जीरो के बराबर नहीं है, तो समीकरण निकाय क्या है, स्वतंत्र है और इसका हल निकलेगा। अब सबसे पहले क्रेमर नियम से लगाएं, क्रेमर नियम आपने देखे थे अभी, क्या लोगोगे डेल्टा वन, इसका मतलब एक्स गया तो कौन आएगा वाई की वैल्यू 3 9 और ये आ जाएगी -3 3, डेल्टा वन। अब निकाले डेल्टा टू, तो ये कौन है 2 2, ये गायब हुए तो आएंगे 3 और 9 3 और 9, डेल्टा वन की वैल्यू 3 3 9, माइनस 9 3 27 गुणा कर लिया ना ऐसे, हाँ 27 30 36, कितना है 36। अब इसकी वैल्यू निकालें, 9 × 18 माइनस के 6 कितना है 12, तो एक्स क्या होता है डेल्टा 1 / डेल्टा और वाई क्या होगा डेल्टा 2 / डेल्टा। डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आई 36, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है 12, 12 / 36, एक्स का मान कितना आ गया 3,
इसी तरह वाई डेल्टा टू की वैल्यू 12 और डेल्टा की वैल्यू कितनी आई 12 बराबर कितना आया 1। एक्स का मान 1 वाई का मान 3 एक्स का मान 1 वाई का मान 3। यह है आपकी क्रेमर नियम, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्रेमर नियम।